नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक भारत में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने पढ़ा, अब आपको वीडियो नष्ट करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। आज की इस वीडियो में आपको यही बताएंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भारत के युवा वीर्य नष्ट निरंतर कर रहे हैं और अपने शरीर को खोखला करने में लगे हुए हैं। उन्हें खुद ही नहीं पता कि वीर्य नष्ट करने के कितने भयंकर परिणाम हैं और एक समय आने पर आपको वीर्य नष्ट करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। पढ़े लिखे लोग भी वीर्य नष्ट करने में आगे हैं और यह भारत के युवाओं को निरंतर दुर्गति की ओर ले जा रहा है। वीर्य नष्ट करने की कीमत आपको इस प्रकार से चुकानी पड़ेगी। सबसे पहले नंबर वन पर है, आपका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। बड़े आदमियों से मिलने या आंखें मिलाने से डर लगने लगता है। सेकंड नंबर पर है, चेहरे का तेज खत्म हो जाता है। थर्ड नंबर पर है, हसमुख चेहरा दुखी व उदास बन जाता है। चिड़चिड़ा, क्रोधी, मुर्दे की तरह निस्तेज हो जाता है चेहरा। फोर्थ नंबर पर है, गालों की गुलाबी नष्ट होकर झाई पड़ने लगती है और गालों व आंखों में गड्ढे पड़ जाते हैं। फिफ्थ नंबर पर है, बाल झड़ने सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। सिक्स्थ नंबर पर है, शरीर दुर्बल झरझर ढीला बन जाता है, जिससे अच्छे काम में भी मन नहीं लगता। थोड़े ही परिश्रम में दौड़ने से शरीर हाँफने लगता है, छोटे छोटे काम भी कठिन लगने लगते हैं। सेवन्थ नंबर पर है, धड़कन तेज होना और अत्यधिक डर लगना। एट्थ नंबर पर है, भूख ठप हो जाना, लीवर या पाचन तंत्र का सही से काम ना करना, और यह बहुत से युवाओं को होता है। मेरी वीडियो कमेंट में आता है कि हमारा पाचन तंत्र सही नहीं है, उसके लिए आपको व्यायाम ही करने पड़ेंगे तभी वो ठीक होगा। आप जैसे कुछ खाना खाते हो उसके थोड़ी देर बाद ही गुटर गुटर शुरू हो जाती है, क्योंकि आपका पाचन क्रिया सही नहीं है, पाचन तंत्र आपका सही काम नहीं कर रहा, उसमें गड़बड़ी आ रही है और वो वीर्य नष्ट का ही कारण है। नाइन्थ नंबर पर है, नींद कम आना और आए तो बहुत ज़्यादा आना, कुंभकर्ण की तरह देर रात तक सोना नहीं है और जल्दी उठना नहीं है। देर रात सुबह तक ही उठते हैं और देर रात तक ही सोते हैं, ये भी बहुत बड़ा नुकसान है। टेंथ नंबर पर है, स्वप्न दोष अधिक होना। स्वप्न दोष तो होगा ही होगा अधिक, क्योंकि जब हम वीर्य नष्ट करते हैं तो हमारी जननेन्द्रिया जो वीर्य धारण करती है वो कमज़ोर पड़ जाती है, ढीली पड़ जाती है। जब उसके अंदर वीर्य नहीं रुक पाता तो वो वीर्य को बार बार बाहर फेंकती रहती है, वो निरंतर स्वप्न दोष का रूप लेने लगता है। 11th नंबर पर है, वीर्य का पानी जैसा पतला पड़ना। 12th नंबर है, पेशाब के साथ भी वीर्य निकलना, इसका परिणाम अंत में नपुंसक बना देता है। पेशाब के साथ वीर्य भी इसलिए ही निकलता है कि हमारी जो जननेन्द्रिय है वीर्य धारण करने की क्षमता उसकी शून्य हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो वो पेशाब के द्वारा वीर्य निकालना शुरू कर देती है, जो बहुत ही भयंकर नुकसान है, जिसका बहुत ही घातक है। 13th नंबर पर है, तलवे तथा हथेलियों का पसीजना। 14th नंबर पर है, हाथ पैर का कांपना, कुछ देर खड़े होने पर ही या कुछ वस्तु उठाने पर हाथ पैर बुरी तरह कांपने लगना। 15th नंबर पर है, चक्कर आना, मूर्छा आ जाने से नीचे गिर पड़ना, और लोग बाग समझते हैं कि इन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है इसलिए चक्कर आ गए, नहीं, इसका कारण है वो ज़्यादा वीर्य नाश कर रहे हैं। 16th नंबर पर है, स्मरण शक्ति का ह्रास होना और मानसिक दुर्बलता का बढ़ जाना। ये तो होना ही होना है कि स्मरण शक्ति हमारी कमज़ोर हो जाएगी जब वीर्य नष्ट अधिक करते रहेंगे। 17th नंबर पर है, चित्त का चंचल दुर्बल व पापी बनना। 18th नंबर पर है, माथे में कमर में छाती में बार बार दर्द होना। कमर में अत्यधिक दर्द होगा क्योंकि जब हमारा वीर्य निकलता है तो किडनी से होकर खींचकर जान निकलती है और वो वीर्य जब निकल जाता है तो शून्यता वहाँ पर आ जाती है, जिसके कारण पीछे बैक साइड में किडनी में दर्द होता है और वो बहुत भयंकर दर्द होता है। जिसको होता है उनको पता है वो इसको कैसे सहन करते हैं। 19th नंबर पर है, कमर का झुकना, झुककर बैठना। जब कमर में दर्द रहता है तो कमर झुकनी ही शुरू हो जाती है, नियंत्रण वीर्य नाश होता रहता है तो कमर झुकती ही रहती है। 20 नंबर पर है, छाती की हड्डियाँ दिखना, वो स्वाभाविक बात है। 21 नंबर पर है, आत्महत्या का विचार आना। जो सब ज़्यादा वीर्य नाश करते हैं उनके दिमाग में आत्महत्या का विचार आता ही आता है, उन्हें दुनिया बेकार लगने लगती है,
दोस्तों इस तरह आपको वीर्यनाश की कीमत चुकानी पड़ेगी, जितने मैंने पॉइंट आपको बताए हैं और ये जो वीर्यनाश कर रहे हैं उनके सामने ये सब प्रॉब्लम्स हैं। दोस्तों अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है, आप पहले की तरह वीर्यवान बन सकते हो, बस आपको ज़रूरत है वीर्य रक्षा करने की। जब जागो तभी सवेरा, जितनी दृढ़ता से आप वीर्य रक्षा करोगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा, उतनी ही आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों थोड़ा समय तो लगेगा, जो आपने 5 साल वीर्यनाश किया है उसकी भरपाई 1 महीने में थोड़ी कर सकते हो, कुछ समय तो लगेगा ही, परंतु हार बिल्कुल भी नहीं मानना है। वैसे 1 महीने में आपको फ़ायदा बहुत होगा, 30 डेज ब्रह्मचर्य बेनिफिट आप वीडियो डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी देख सकते हैं। दोस्तों अब हार नहीं माननी है, अब आपको वीर्यवान ही बनना होगा, तभी आपका जीवन सफल होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को, जिससे वो भी जागरूक हो सके। तो बताओ दोस्तों आज के वीडियो आपको कैसी लगी।